अम्मी मुझे कोई पीछे से आवाज दे रहा है। अम्मी ने कहाँ पर किया? अम्मी अब तो मेरा मोबाइल गया। अम्मी मुझे बचा लो। अम्मी मुझे बचा लो। अम्मी ने कहाँ पर किया? अम्मी मुझे बचा लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया तुम सबका टप्पू ब्रदर्स के व्लॉग में। यार मैं जॉब से थोड़ा काम के लिए बाहर निकला था, तो मैंने यार यहाँ पर मैंने देखा बच्चों को स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, यार यहाँ का माहौल बना हुआ था अच्छा, तो मैंने कहा क्यों आपके लिए वीडियोस वगैरह बना ली जाए। यार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो माहौल वगैरह बना हुआ है ना, सारे भाई रात में यहाँ पर आके मॉल के पास स्केटिंग शूज़ वगैरह लेके आ जाते हैं। यार अगर पाकिस्तान में ये माहौल होता ना, सारे अपना मोबाइल वोबाइल लेके इधर उधर बैठे हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ यार छोटे छोटे बच्चे किस तरह स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यार यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यार, यहाँ पर सारे स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं भाई। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ आपने जो करना है कुछ जो भी करना है ना भाई, आप खुद करते रहो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना? ठीक है। आपने कहाँ भी बैठना है मोबाइल लेके आप हर जगह बैठ सकते हो, कहीं भी आप कैमरा खोल के अपनी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। यार देखो यहाँ कितने बच्चे घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यार देखो, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। यार मैं आपको देखे यार यहाँ का माहौल इतना अच्छा है ना, बंदा अपने बैग्स वगैरह सब रख के कहीं भी घूमता रहे। देखो यार यहाँ बैग्स वगैरह इन्होंने सबने रखे हुए हैं, बाकी सारा अपने अपना मस्तियों में एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं यार। बाकी चेक कर रहे हैं यहाँ पे स्केटिंग वगैरह भी सब भाई, लड़के लड़कियाँ भाई, छोटे बच्चे भी हैं भाई, वो भी लगे पड़े हैं भाई। देखें ये देखें कितनी छोटी बच्ची है। खैर मैं जॉब के लिए बाहर निकला था यार, यहाँ पर मेरे को बच्चे मिल गए थे, तो मैंने कहा यार माहौल बना पड़ा है, क्यों ना आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए। और निकल कुछ आपको दिखा भी दिया जाए यार, चेक करें। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे कोई रेस वगैरह कंपटीशन वगैरह चलने वाला है, नहीं भाई सारे यहाँ पे राउंड एंड राउंड घूमे जा रहे हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आगे अपने जॉब के कुछ काम के लिए आया था, कुछ पूछा मैंने थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे माहौल वगैरह बना हुआ था सारा। मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये सब कुछ होता है भाई, ये लोग यहाँ कर रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भाई स्केटिंग वगैरह सब कर रहे हैं। देखे कितने छोटे छोटे बच्चे। अरे बस कर भाई, यहाँ पर यार एक फायदा है, बंदा कहीं भी दिल करे उसका कहीं भी मोबाइल निकाल के अपनी वीडियोस वगैरह बनाने लग जाता है यार। यहाँ पे एक बहुत मजे आते हैं यार, यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का, बाकी अल्लाह पर हर किसी को कामयाब करे भाई। बाकी यहाँ पे देखें सब यहाँ पर बैठे हैं इस तरह, सारे अपने अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ चोरी का किसी चीज़ का बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं भी देखो यहाँ पे कितने रिलैक्स होकर बैठा हूँ, यहाँ पे तकरीबन टाइम 10 बज रहे होंगे अभी रात के ना, तो फिर भी रात के 10 बज रहे होंगे, हम इस तरह मोबाइल लेके अपने पाकिस्तान में या कराची में जहाँ भी है नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पर तो भाई सारे अपने मोबाइल वोबाइल लेके चेयर वेयर लेके इस तरह बैठे हुए और स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं यार। मैं तो देख के खुश हो रहा हूँ कि इतने इतने से बच्चे स्केटिंग वगैरह कर रहे हैं यार। अगर ये माहौल अपने पाकिस्तान में होता या कराची में होता जो भी है, तो वहाँ पर किस तरह का हिसाब किताब होता, सारे मतलब के छोटे छोटे बच्चे लगे पड़े हैं। फिर भाई देखो सबसे बड़ी बात है, ये छोटे छोटे बच्चे इनको क्या पता ये क्या है, इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया, इनको बताया कि भाई तुमने ये करना है ये करना है, फिर पहले से ही लोग सारी चीज़ें अपने बच्चों की ट्रेन कर देते हैं भाई, क्योंकि माँ बाप को ही पता होता है कि भाई हमने अपने बच्चे को ये कराना है या वो कराना है। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब हमारा क्या होता है कि वो बच्ची गिर गई, तो हमारा क्या होता है कि भाई हम तो बस लगते हैं मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक भी नहीं करते, एट क्लास पढ़ते हैं, चल मेरा भाई लग जाओ काम पे। खैर भाई बाकी पैसों का भी थोड़ा इशू होता है ना, हम तो इसलिए अखराजात घर के जो होते हैं वो होते नहीं है इतने के बंदा कहीं घूम भी सके कुछ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कर सके। तो अभी तो शुक्र है अल्लाह का, मेरे वालिदैन का, मेरी फैमिली का ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे को यहाँ पर भेज दिया भाई। सबसे पहले भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा है, फैमिली का बाद में, तो भाई अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करें। बाकी भाई आप लोग ने जो आप लोग सारे अपने एक गोल सेट करें ना, होता है कि एक गोल सेट करना पड़ता है ज़िंदगी में, अगर गोल सेट नहीं करेंगे तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। बाकी कोई नसीब की बात है भाई, देखो नसीब अल्लाह ताला ने लिखा है ना, कौन किस वजह से या कोई भी छोटी छोटी चीज़ ऐसी होती है कि बंदा एक चीज़ मिलती है, जैसे कि मैं भी व्लॉगिंग शुरू कर दी मैंने यूट्यूब पर ना, अब कोई भी मेरी एक अच्छी रेसिपी होती है या शॉर्ट्स होती है जो भी लोगों को पसंद आ जाता है ना, तो एक जरिया बन जाता है उठने का। तो भाई अभी तो खैर क्लास मेरी ऐसा लग रहा है कि इन बच्चों को दिखाने आया था, मैं जॉब से निकला था 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे काम के लिए, तो यहाँ माहौल वाहौल बना हुआ, तो मैंने बोला आपको दिखा देता हूँ, कोई जरूरत नहीं, मैं आपको क्लास इस तरह से दे रहा हूँ कि भाई मेरे पास बड़ा टाइम है, फारिग हूँ।
चल झूठा भाई फारिक नहीं हो, यहाँ कुछ मैंने देखा था तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ। भाई यहाँ पे भाई कोई डर नहीं है, बंदा सुकून से रिलैक्स होकर बिल्कुल रात में घूमता रहे, ना मोबाइल का चोरी होना, ना किसी चीज का स्नैचिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे भाई अपने इस तरह बैठे होते, मैं आपको दिखा दूँ यार। बातें शायद तो होती रहेंगी यार, अभी बहुत भूख लग रही है यार, खाना वाना खा लेते हैं, मिलते हैं आपको, खाना खा के भाई। One hour later. हमने खा लिया था, देखे भाई सन्नाटा हो चुका है भाई, सब चले गए यहाँ पे भाई, अपने अपने घर, हम यहाँ पर घूम रहे हैं यार। इधर आओ। अम्मी मेरा मोबाइल गया, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी मुझे बचा लो, अम्मी अल्लाह तेरा शुक्र है यार। मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही जाता कि यार मैं मलेशिया आ गया हूँ यार, पीछे से कोई मुझे आवाज़ें दे रहा था, मैं समझा आज तो यार अम्मी मेरे को किसी ने पकड़ लिया या तो मेरा मोबाइल वोबाइल गया यार। मैं भूल ही जाता कि यार मैं मलेशिया में हूँ, पाकिस्तान में नहीं हूँ यार। यार देखो दिमाग से निकल जाता है यार, 20 साल हमने वहाँ गुजारे ना, वही आदत हमें पड़ी हुई, जब कोई पीछे से आवाज़ देता रात के यार 12 बज रहे और मैं इस तरह मोबाइल लेके वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो यार थोड़ा सा डर गया था। कोई नहीं भाई, अब आइंदा याद रखेंगे कि हम मलेशिया में। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, तालियां होनी चाहिए। अपनी फैमिलीज को ले लेंगे, मतलब छोटे बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं उनके जो भी हैं, सब यहाँ पर बैठे हैं भाई। अच्छा, फिर इन सब का एक गोल सेट होता है ना, तो ठीक है, तो आप लोगों को भी चाहिए कि भाई एक गोल सेट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मैं आज इस तरह इतनी बातें कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, यार ये बात नहीं है। मैंने भी अपना एक गोल सेट करा था जब मैं मेरा हुआ था यहाँ आने का, तो मैंने अब तकरीबन 1 महीने पहले या 2 महीने पहले यूट्यूब शुरू कर दिया था। मैंने कहा यार पहले मैं वीडियोज़ वगैरह वहाँ अपने पाकिस्तान में बनाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ, जब तक मैं यहाँ आऊँगा मेरा सेट हो गया, शुक्र है अल्लाह का अभी तक मेरा हाथ सेट हो गया भाई, ठीक है ना। आप लोग भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इसी तरह आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे, प्यार देते रहे, आपका भाई ऐसी हर जगह इसी तरह आपको इंजॉय कराता रहेगा, आपने टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपका भाई अकेला काफ़ी है टप्पू ब्रदर्स, बाकी यार टप्पू तो है नहीं, ना टप्पू टीम है ना टप्पू है, आपका भाई अकेला ही यहाँ वीडियोज़ वगैरह बनाता रहता है, बाकी आप लोगों का मुझे साथ चाहिए, आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपको सब जगह घुमाते भी रहेंगे भाई। ये मेरा मैसेज था आप लोगों के लिए यार, आप लोग भी अपना एक गोल सेट करें, ठीक है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें भाई। इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। जब तक के लिए दे हमें ज़्यादा मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओ का